सनम मारवी साहिबा, इसमें कोई शक नहीं कि आप आबदा परवीन साहिबा की शागिर्द हैं और आप वो शागिर्द हैं जिन्होंने अपनी उस्ताद की इज्जत में इजाफा किया है। क्या बात है। और मेरा ख्याल है कि जैसा खूबसूरती से आप सूफियाना कलाम और आबदा जी का जितना भी है कलाम गाया हुआ वो गाती हैं, कोई और दूसरा नहीं गाता। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अक्सर जो ट्रकों पे बकरे जाते हैं ना जी इस्लामाबाद की तरफ, वो गुजरांवाला बाईपास पे जाके ड्राइवर को खुद बकरे कह देते हैं कि बारों दियो चलो बार। वेलकम बैक तीनों हज़रात। राबिया जी, आप क्यों नहीं ज्यादा ड्रामे करती हैं, इसकी क्या वजह है? वो वाकई बड़ी चूजी हैं आप, आपने जैसे बताया है और हमने देखा भी है स्क्रीन पे, आप ड्रामे में मॉडलिंग और कमर्शियल्स में तो आप छाई होती हैं। मैंने खैर मॉडलिंग का करियर भी मेरा ऐसा ही रहा है, कुछ कम कम काम करना और वहीं से ये बात। आप ज्यादा अमीर हैं। नहीं सीरियसली, मतलब होता है ना कि आर्टिस्ट कहता है कि मैं पैसे कमाऊं। नहीं सहेल साहब, मैं ज्यादा अमीर नहीं हूं, लेकिन मैं मुतमईन बहुत हूं। मुझे ये लगता है कि मुझे ज्यादा और इत्मीनान ही इमारत है। ऑफ कोर्स, वही सबसे बड़ी दौलत है बेसिकली। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कमाने से कोई मुझे सुकून मिल जाएगा या किसी को मिल सकता है। पंजाबी हैं हम तो बोलते हैं घर में कि सुथरा कमाओ जितना भी कमाओ। अच्छा, मैंने कभी इतनी स्ट्रेटजी से काम लिया भी नहीं, लेकिन बात वही है ना कि जब अल्लाह आपको इज्जत देना चाहे तो वो कख को लख बना दे, आपको समझ ही नहीं आती। तो मैं सोचती हूँ, बाज़ लोग कहते हैं कि अच्छा आपने ये फ़लाँ फ़लाँ ये बड़ा अच्छा मूव किया था, मुझे समझ नहीं आती है किस मूव की बात कर रहे हैं। मैंने तो कोई ऐसा मूव किया ही नहीं है। अल्लाह ही है जिसने आपकी इज्जत रखी होती है और किसी के सामने कोई ऐब नहीं आते आपके। बहुत खुशी हुई मुझे ये देख के कि आप भट्ट होने के बावजूद इतनी अकलमंद। कि आप रोटी के अलावा भी कुछ मांगती हैं और मांगती हैं। भट्ट की रोटी नहीं खा लेंगे उनकी। उसके बाद आशिफ भाई, अक्सर कहता हूँ चूंकि हमारा आपका भी तल्लुक हमारा गुजरांवाला से है और उधर के भट्ट जो हैं वो रोटी खांदने जदों ते राज के नहीं थक के उठते। हाय हाय, जेड़ा रोटी खांदे ही थक जावे उन्हें फिर और की सोचने। हाय हाय, ये कोई झुकते नहीं है, हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि थक गया बंदा तो उन्हें कहा कि यार बस करो यार, उन बहुत पसीना आ गया। ये नहीं हुआ कि यार बस करो पेट भर गया, नहीं नहीं, बल्कि अक्सर जो ट्रकों पे बकरे जाते हैं ना जी इस्लामाबाद की तरफ, वो गुजरांवाला बाईपास पे जाके ड्राइवर को खुद बकरे कह देते हैं कि बारों दियो चलो बार।